नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज क्लिक पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाती हूं एक प्रोग्राम जिसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं चर्चा, इंटरव्यूज और खासकर चुनावी राज्यों में क्या कुछ हलचल चल रही है उसका आपको पल पल की खबर उसकी आपको देती हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के चुनावी रण की। 70 सीटों के लिए जो उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है वहां पर एक तरीके से करो और मरो की स्थिति है, और खासकर कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस 2017 में हार गई थी वहां का इलेक्शन। अब क्या 2022 में कांग्रेस वापस आ पाएगी? क्या कांग्रेस की सत्ता उत्तराखंड में फिर से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज क्लिक पर। बहुत धन्यवाद हरीश जी। सो गुड टू सी यू आफ्टर सो मेनी मंथ्स। और कैसा चल रहा है आपका कैंपेन सर इस समय? बहुत अच्छा चल रहा है। हमने कैंडिडेट्स के नाम अंतिम रूप से तय कर दिए हैं। आजकल में नाम जो है प्रकाशित भी हो जाएंगे, क्योंकि तय ये किया कि नाम तय करते चलो, कैंडिडेट्स को खबर करते चलो, और बाहर उसको फिर जैसा रुक करके करेंगे करके। तो अब मेरा ख्याल है आजकल में हमारी लिस्ट जो है जारी कर दी जाए। कितने कॉन्फिडेंट है रावत साहब इस बार की कांग्रेस की सरकार ही बनेगी उत्तराखंड में? इस बार कांग्रेस की बारी है और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, जनता का मन बना हुआ है। बल्कि हम तो खाली कारक हैं, जनता पहले ही निर्णय कर चुकी है। जो जनता का निर्णय है हम उसको केवल ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअलिटी में। जो उत्तराखंड की जो पूरा कॉन्टेस्ट है वो क्या पुष्कर सिंह धामी वर्सेस हरीश रावत है या फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इसको कैसे समझा जाए इस बार जो उत्तराखंड की पूरी लड़ाई है? देखिए, व्यक्तियों के रूप में कहीं कोई विवाद नहीं है और लड़ाई सैद्धांतिक है। कौन राज्य के लिए बेहतर गवर्नमेंट दे सकता है, इस बात की लड़ाई है। और कांग्रेस के पास एक निश्चित एजेंडा है राज्य के विकास का। जब भी हमको उत्तराखंड के लोगों ने अवसर दिया है हमने उस एजेंडे को क्रियान्वित किया है, चाहे हमारी पहली सरकार रही हो, चाहे हमको दूसरी बार जब अवसर मिला 2014 में तब रहा हो, और आज जब हम लोगों के सामने जा रहे हैं तो हम भाजपा से कई गुना बेहतर रोड मैप के साथ जा रहे हैं और एक टाइम टेस्टेड पॉलिसीज के साथ जा रहे हैं। भाजपा की पॉलिसीज उत्तराखंड में फेल हुई हैं, भाजपा डिलीवर नहीं कर पाई है और कांग्रेस ने डिलीवर किया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है लोग हमारे पुराने इतिहास को देख करके जो आगे के हमारे वादे हैं उन पर भरोसा करेंगे और हमको ओवरवेलमिंग मेजोरिटी देंगे, बहुत अच्छी मेजोरिटी देंगे। लेकिन रावत साहब, जो मोदी जी का करिश्मा है वो कितना चलता है उत्तराखंड में? और उत्तराखंड के लोगों से अगर हम बात करें तो ज्यादातर कहते हैं कि अरे मुख्यमंत्री तो कोई भी बने, लेकिन मोदी जी का करिश्मा ऐसा है कि उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार बनी जाएगी दोबारा। देखिए, हर करिश्मा कभी न कभी उसमें ठहरावट आती है, ठहराव आता है, और बंगाल में भी ठहराव आया था और जगह भी ठहराव आया था। ऐसा नहीं है कि सब जगह मोदी जी का करिश्मा काम ही आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार इसलिए काम कर गया उनका करिश्मा क्योंकि उन्होंने उसको एक कम्युनल टच दे दिया था, मगर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार वो कम्युनल टच नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि लोगों ने देखा कि उस टच के कारण जो उनका वोट पड़ा है उस वोट का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं रहा है। रावत साहब, इस बात की गारंटी क्या है कि बीजेपी एक बार फिर से ध्रुवीकरण नहीं करने की कोशिश करेगी? और सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण हमेशा जो एक बीजेपी का हथियार है, अगर वो करेगी तो फिर हिंदू और जो मुसलमान वोट है वो तो फिर कंसोलिडेट हो जाएंगे ध्रुवीकरण के चलते, तो कांग्रेस इसको कैसे काउंटर करेगी? देखिये, भाजपा कुछ भी कोशिश करे
मैंने कहा ना कि कांच की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, और इस बार भाजपा की कांच की हाड़ी नहीं चढ़ेगी। लोगों ने देख लिया कि पिछली बार जिस कम्युनल लाइन पर वोट हो गया था, बढ़ गया था, उसके परिणाम आम और खास सबके लिए घातक रहे हैं, राज्य के लिए बहुत नुकसान दे रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोग इस समय पहले से मन बना करके बैठे हुए हैं कि हमको भाजपा को वोट नहीं करना। रावत साहब, मैं ये पूछ रही थी कि कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उत्तराखंड में उतर रही है, क्या मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए अहम है? देखिए, भाजपा एक अच्छा विकास का मॉडल नहीं दे पाई। राज्य में इस समय वित्तीय एक ऐसा वातावरण जिसको कहते फाइनेंशियल मिसमैच दिखाई दिया है। लोगों को लगा है कि ये साधन भी पैदा नहीं कर पाए और साधन जुटा भी नहीं पाए। जो डबल इंजन इनका था वो डबल इंजन कुछ डिलीवर नहीं कर पाया। और दूसरा उसका रिजल्ट ये रहा कि आज उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बेरोजगारी देश में सर्वाधिक है, जो प्रतिशत वाइज देखें। जबकि जिस समय हमारी गवर्नमेंट थी तो हम उस समय देश में न्यूनतम बेरोजगारी उत्तराखंड के अंदर थी, 1.5% वार्षिक ग्रोथ थी, और आज वो ग्रोथ कभी 23% तक बढ़ी है, और इस समय भी देश में हाईएस्ट ग्रोथ है बेरोजगारी की उत्तराखंड के अंदर। महंगाई एक सार्वभौम मुद्दा है जो चीख चीख करके कह रहा है कि जब जब भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है, और लोगों को भाजपा का नाम लेते ही अपना गैस का सिलेंडर दिखाई दे रहा है, और मैं समझता हूँ आपको भी दिखाई देता होगा, और लोगों को खाने का तेल का बोतल दिखाई देता है जो कांग्रेस के समय में 58 रुपए में मिलता था, आज वो बोतल जो है तेल का 100-200 रुपए, और हमारे तो पहाड़ी इलाका है वहां 225 तक पहुंच गया कुछ एरियाज के अंदर। लेकिन रावत साहब, ये सारी दिक्कतों के बावजूद, महंगा तेल, महंगा सिलेंडर, और इसके बावजूद लोगों के मुंह पर जो एक जो स्लोगन हमेशा से नजर आता है कि मोदी है तो मुमकिन है, कि भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, बस भाजपा को ही वोट डालो, तो आपको लगता है कि जनता भी लोग ये कहते हैं कि जब भाजपा के लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो जनता कहती है हाँ मुमकिन है, इसीलिए तो डीजल और पेट्रोल 100 के पार पहुंचा, और इसलिए गैस का सिलेंडर 1000 हुआ, इसलिए खाने का तेल में 142 रुपया पर लीटर गरीब लोगों की जेब से निकल करके अडानी की जेब में जा रहा है। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अरबपति को खरबपति बनाया जा सकता है मगर गरीब और गरीब होगा। ये हमारी भावना नहीं है, ये आम हिंदुस्तानी की भावना धीरे धीरे बनती जा रही है, जो उत्तराखंड के चुनाव में आपको रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी, बल्कि उत्तराखंड एक नमूने के रूप में इस बात को बताएगा। हम उपभोक्ता स्टेट है उत्तराखंड, और वहां इस महंगाई का जो असर पड़ा है वो बहुत कमरतोड़ है, लोगों के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है। हमको कहना पड़ रहा है लोगों से, बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। हमको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लोगों का आत्मविश्वास टूट रहा है, उस आत्मविश्वास को फिर से संगठित करना है। और इधर कोरोना काल में जो दूसरी लहर आई थी उसमें जो मिसमैनेजमेंट हुआ, कैन यू ट्रस्ट की उत्तराखंड जैसे एक कॉम्पैक्ट छोटे राज्य के अंदर कोरोना में देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रतिशत वाइज मौतें हुई लोगों की। हमने अपने करीबी लोगों को ऑक्सीजन की कमी से, बेड न मिल पाने से, दवा नहीं मिल पाने से, समय पर इलाज न मिल पाने से मरते देखा, और उसमें कोल में खाज का काम किया, कुंभ के समय में कोरोना की टेस्टिंग करवाई इन्होंने, और उस टेस्टिंग में इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि सारे हिंदुस्तान ने कहा उत्तराखंड कुंभ इज ए कोरोना स्प्रेडर। तो उत्तराखंड अपने इस अपमान को नहीं भूला है, और सबसे बड़ा अपमान यह है कि आपने 5 साल में हमको 3 मुख्यमंत्री दे दिए, और वो 3 मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री जो 3 साल से ज्यादा रहा उसको
उसको आपने बजट सत्र के दौरान बजट पेश करते वक्त कान पकड़ करके निकाल दिया, मतलब हम एडमिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, भाजपा लीडरशिप का, कि ही कुड नॉट डिलीवर। तो ये किसके साथ 3.5 साल बर्बाद हुए, दूसरे को ये मालूम ही नहीं पड़ पाया कब उसकी शादी हुई और कब विधवा हो गया वो, और तीसरे को लाए कहा जम्मू रे बस जो हम तेरे हाथ पर कागज पढ़ते जा, वो बेचारे पढ़ते जा रहे हैं, घोषणाएं करते जा रहे हैं, ये भूल गए कि भाई घोषणाओं की जो है का शासनादेश भी निकालना पड़ता है, कहीं मंत्रिमंडलीय फैसलों में भी उसको सम्मिलित करना पड़ता है, बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, वो ये नहीं कर पाए। इसलिए अब उन्होंने जब देखा अब चुनाव आ ही गया सर पे, तो खनन करने पर लगे हुए हैं। उनको संज्ञा दी है क्या मालूम है उत्तराखंड के लोगों ने, खनन प्रेमी मुख्यमंत्री, सारे नालियां सब खोद डाली, जहां बजरी बोल्डर है वहां जो है श्री धामी विद्यमान है जो है, तो ये उनकी सरकार की छवि बन गई। अब लेकिन रावत साहब, ये जितने भी इश्यूज हैं इन सब के बावजूद अगर जो भी ओपिनियन पोल्स अभी आए हैं वो बीजेपी को इतनी कम सीटें नहीं दे रहे, बीजेपी की जो सीटों का जो संख्या है वो अभी भी 30 से लेकर 37 सीटों तक बीजेपी को दे रहा है। कि मैं पोल पर क्वेश्चन नहीं करूंगा जी, इस समय उत्तराखंड में भाजपा के विरोध के प्रतीक के रूप में लोग मुझको देखते हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगनिंग मैं कहता रहा कि भाई ये सरकार ठीक उस पर नहीं चल पा रही, भाजपा की पॉलिसीज जो है ठीक नहीं है, और उन्होंने स्थितियों को और बिगाड़ने के लिए जो मेरी सरकार के डेवलपमेंटल निर्णय थे, जैसे मेरा गांव मेरी सड़क जैसी योजना, उसको बंद कर दिया। उत्तराखंड में कोई सरकार हो वो परंपरागत अनाजों के लिए जो बोनस की पॉलिसी थी उसको बंद कर दे, डिसकंटिन्यू कर दे, कैन यू बिलीव, कैन यू ट्रस्ट, कैसे पलायन रोकेंगे, जहां 75% हिस्सा जो है असिंचित है, सारे असिंचित खेती है जहां 90%, तो उस राज्य के अंदर आप जो है परंपरागत फसलों के लिए जो बोनस की नीति थी उसको आपने बंद कर दिया, उसकी विपणन की नीति को बदल दिया, और आपने वृक्ष बोनस, जल बोनस बंद कर दिया, दुग्ध बोनस की हमारी नीति को कभी करते थे क्रियान्वित, फिर बंद कर देते थे, फिर जब प्रेशर पड़ता था फिर क्रियान्वित करते थे। तो जिस सरकार के पास इस तरीके की असमंजस हो, स्पष्ट एजेंडा न हो, जो सरकार 69,000 महिलाओं की वृद्धावस्था पेंशन को डिसकंटिन्यू कर सकती हो, बंद कर सकती हो, वृद्ध महिला पोषाहार योजना को बंद कर सकती हो, एपीएल के कार्ड धारकों को मिलने वाले सस्ते गेहूं चावल के दाम दुगने कर सकती हो, आप अंदाज लगा सकते हैं क्या कहूं क्या ना कहूं। हमारे उत्तराखंड में एक कहावत है, निमखंड रजे कथे कथ, निमखंड राजा मतलब जो बेकार का राजा है उसकी कथा ही कथा जो है, तो इनकी बहुत सारी कथाएं हैं। इसीलिए आजकल उत्तराखंड के हर कंठ में एक ही सवाल हुआ है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो और उस पर नमक छिड़क, देखिए नमक छिड़कने के लिए जो है इनके नेतागण कहते हैं वोट तो हमको दिया था, पार्टी को दिया था, हम 3 बनाए या 30 10 बनाए, इससे किसी को क्या लेना देना है। तो उत्तराखंड के लोग कहते हैं यदि तुम्हारे मुख्यमंत्रियों से हमको कुल लेना देना नहीं है तो हम भैया जिस पार्टी के मुख्यमंत्री से कुल लेना देना हमारा होगा उसी को चुन देंगे करके। तो इसलिए ये मैं सर्वेस को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो आप देखिएगा कांग्रेस बहुत अच्छी पोजिशन में आएगी, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम नियरली स्क्रैच और नाउ वी आर कैचिंग अप, और इन सम सर्वेज हैव इंडिकेटेड, जैसे आपने देखा होगा जी न्यूज जो है, दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स बट उनके सर्वे में हम आगे, ऐसा नहीं है कि। लेकिन रावत साहब, इस बार फिजिकल रैलीज नहीं हो रही है कोरोना के चलते, और डिजिटल कैंपेन ही है ज्यादातर, और वर्चुअल रैलीज ही हो रही हैं, और मैंने भी देखा था आपकी कुछ वर्चुअल रैलीज जिसको काफी लोगों ने 20,000 लोगों ने अटेंड किया। लेकिन उत्तराखंड जो एक हिली स्टेट है, पहाड़ी राज्य है, और वहां पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपके लिए ये एक बड़ी चुनौती नहीं है इस बार का डिजिटल कैंपेन और डिजिटल इलेक्शन? एक तरीके से पूरा हम डिजिटल इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, तो क्या ये एक कांग्रेस के लिए ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना पुख्ता है? देखिए नीलू जी, मैं आपके क्वेश्चन को दो भागों में आंसर करूंगा। पहला भाग तो है, एक चुनौती है
कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया है। मैं 21 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी तक ऑनलाइन स्पीच दे चुका हूं, मतलब ऑनलाइन मेरी मीटिंग हो चुकी है और उसको लोगों ने बहुत लाइक किया है। कई जगह तो 1 लाख 1.25 लाख तक लोग उसको देख चुके हैं और फ्रॉम राइट बिगनिंग कहीं 1,000 कहीं 2,000 लोग जो है, कई जगह 2,500 तक लोग जो है स्टार्ट से लेकर आखिर तक जुड़े हैं। तो इसका मतलब है हम मैनेज कर रहे हैं स्थितियों को। ये चुनौती हमारे सामने नहीं है, ये चुनौती है इलेक्शन कमीशन के सामने। वो कस्टोडियन है हमारे भी फेथ के जो है, तो उनको ये देखना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसमें लगभग 60% एरिया ऐसा है जहां कनेक्टिविटी है ही नहीं, जहां डिजिटल प्रेजेंस बहुत पुअर है, जिस एरिया के अंदर लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन्स है और इत्यादि है, तो उस एरिया में हम कैसे कुछ वैकल्पिक रास्ता निकालें। और वो वैकल्पिक रास्ता निकाला जाना चाहिए। हम आपके माध्यम से सुझाव दे रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हर जिले में, ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत में बना दे जहां पॉलिटिकल पार्टी जाकर के अपनी बात कह दे, जो उनको सुनने आना चाहेंगे वो आएंगे और उनको 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 जो है प्रशासन स्क्रूटनाइज कर लेगा, उनको सैनिटाइज कर लेगा। और हमारी गवर्नमेंट होती तो हम इसको बहुत सरलता से कर सकते, बल्कि एज गवर्नमेंट हम ये सुझाव इलेक्शन कमीशन को देते। अब भाजपा वाले तो चाहते हैं कि दूसरे लोग डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहे, कांग्रेस चलो मैच कर लेगी, दूसरी जो नई पार्टियां हैं कैसे मैच करेगी, जो टेक्निकल सेवी नहीं है, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल है, जैसे और दूसरी पार्टियां हैं, दे विल जस्ट बी आउट ऑफ कैंपेन। तो का मतलब है देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल, जो नारा है इलेक्शन कमीशन का। तो ये इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना है। हम तो केवल आपके माध्यम से अपनी बात कही सकते हैं। जी जी, अच्छा रावत जी, अब कुछ चुनौतियां जो कांग्रेस के सामने हैं और कांग्रेस के ऊपर तमाम इस तरीके की बातें होती हैं कि जो उत्तराखंड कांग्रेस है उसमें गुटबाजी बहुत है, और क्या कहेंगे कि इसमें हरीश रावत का कैंप है, फिर किशोर उपाध्याय होते थे हालांकि उनको सारे पदों से हटा दिया गया, तो जो गुटबाजी है वो कैसे इससे काउंटर करेंगे आप इस चुनाव में? इसमें तीन तरीके से इसको एनालाइज करेंगे। एक तो छोटे राज्यों में स्थिति आती है और धीरे धीरे जो है राज्य जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैच्योरिटी है और कांग्रेस मैनेज करना जानती है, हम मैनेज करते हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मगर हकीकत ये भी है कि हमसे ज्यादा गुटबाजी भाजपा के अंदर है। यदि गुटबाजी नहीं होती तो 3 मुख्यमंत्री कैसे आ गए, क्यों देने पड़े? ये तो क्लियर कट कोई भी दिन के उजाले की तरीके से साफ है। और उनके वहां छोड़ करके कांग्रेस में आने वालों की लाइन लगी थी जो है, आज भी देर आर 15 MLAs who want to cross over to the Congress। हमको अपनी पार्टी मैनेज करनी मुश्किल हो जा रही है, तो हमने कहा भैया तुम जहां हो उधर ही रहो। तो हरक सिंह रावत को क्या यही वजह है कि आने नहीं दिया गया? पार्टी ने उनके आने से क्या कैसे मैनेज करेंगे उस टाइम लिया, लेकिन अब हमारी पार्टी के सम्मानित नेता है। लेकिन रावत साहब, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस उत्तराखंड का चुनाव जीत भी जाती है, लेकिन आपके भविष्य के बारे में लोग ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि हरीश रावत जी ही मुख्यमंत्री बने। तो ये जो इस तरीके की बातें हो रही है, क्योंकि मैं तो आपको इतने सालों से देख रही हूँ और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आपसे वरिष्ठ नेता और आपसे अनुभवी नेता शायद वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर संशय क्यों है कि क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझे जनता का भी आशीर्वाद चाहिए, मुझे पार्टी लीडरशिप का भी आशीर्वाद चाहिए, और ये तो दाता की मर्जी के ऊपर है क्या करता है ये समय में। तो जनता जनता आपको लग रहा है कि हाई कमांड की जो मर्जी है वो आपके नाम से थोड़ा सा वो है? मैं कहा यह जाता है कि यदि आप माता मातेश्वरी की प्रार्थना कर लीजिए तो फिर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं,
पार्टी शिव रूप में है और जनता जनार्दन माता मातेश्वरी के रूप में है। इस समय मैं माता मातेश्वरी की परिक्रमा कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ। लेकिन किसको मनाना ज्यादा मुश्किल है, माता मातेश्वरी को या हर हर महादेव को, मुझे ये बताइए। मेरे लिए माँ को मनाना सरल रहा है, माँ के आशीर्वाद ही से सब हुआ है, तो देर सही, लेकिन मैं महादेव को भी मना ही पाया हूँ इस बार भी। मैं समझता हूँ इस बार भी मेरा काम प्रार्थना करना है, बाकी मानना न मानना जो है, हम तो लीडरशिप के प्रति भी हमेशा समर्पित रहे। देखे आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो एक मिनट के लिए भी पार्टी से विचलित न हुआ हो, मैं लगातार 56वां वर्ष दिनों स्टार्ट हो जाएगा मेरा पार्टी के साथ। लेकिन रावत साहब, ये तो वाकई में ये बात सही है कि मैंने आपको कभी विचलित होते हुए नहीं देखा, लेकिन 23 दिसंबर के कुछ ट्वीट थे आपके, और जिसको देख के सभी लोग सोचने लगे कि वो ट्वीट हरीश रावत ने क्यों किए, जिसमें वो आपने कहा कि भाई अब तो अब विश्राम करने का समय आ गया है। फिर बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ये तो प्रेशर टैक्टिक्स थी ताकि आपका जो मुख्यमंत्री का नाम है उसके नाम की घोषणा की जाए, लेकिन अभी भी ऐसे नाम की कोई घोषणा नहीं की है, तो उस समय आप जरूर विचलित नजर आए थे, तो वो ट्वीट्स का मतलब क्या था हरीश रावत जी? घोषणा फेस वाली बात मैंने सैद्धांतिक बात एक बार उठाई थी, और मेरा अब भी मानना है कि हमको यदि राज्यों को जीतना है तो लोकल वर्सेस लोकल लीडरशिप, एंड वी शुड ट्राई टू कीप ये जो ये लेकर के आ जाते हैं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कॉकटेल लेकर के, इन इन विशेषज्ञों से जरा दूर रह के जो जनता की पेट की समस्याएं हैं, वहां विकास की समस्याएं हैं, नॉन गवर्नेंस की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, वो फोकस हो सके। दैट इज वन साइड जो हरीश रावत एज ए सीनियर कांग्रेस मैन मैंने कही या वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में कही जी। अब इत्फाक ये था कि उत्तराखंड में भी वो निर्णय होना था, लेकिन पार्टी ने एक निर्णय लिया तो उसके बाद मैंने उसको वेलकम किया। मैंने कहा भाई ठीक है, हम अपने टाइम टेस्टेड मॉडल से चलेंगे, जीत के आएंगे तो हमारा विधानमंडल का नेता सोनिया जी तय कर देंगे, पार्टी अध्यक्षता तय कर देंगे, तो आई वेलकम दैट ऑल्सो। और मगर मुझको पार्टी ने कंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुझको सब तरफ से चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और मैं कह रहे कि अभी भी आपको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इम्तिहान जब एवरेस्ट में चढ़ना होता है तो सब तरीके की तैयारियां करनी पड़ती है ना, तो ये चुनाव रूपी जो हमारी जर्नी है इस समय वो सामान्य सामान्य माउंटेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ये ऐसा एक्सपीडिशन है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारियों की और इनपुट की और साथ साथ मदद की जरूरत है, वो नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अपने मन की बात कह दी, मैंने कहा भाई यदि ऐसा ही है तो जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मैं तो आप भी कह रहा हूँ क्लियर कट बिल्कुल मेरा साफ हुआ है, मैं इस एम्बिशन के साथ नहीं हूँ कि मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हो गया ना एक बार तो भूत सब पर लगना है, तो मुझ पर भूत लग चुका है पहले, पार्टी की कृपा से मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। लेकिन रावत साहब अभी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट आपको अभी चाहिए था, अब वो पार्टी दे रही है नहीं दे रही? नहीं, उत्तराखंड के लिए यदि पार्टी आवश्यक समझती है कि भाई ये काम हरीश रावत से ही डिलीवर हो सकता है तो पार्टी को करना चाहिए, तो मैंने यही कहा कि भाई मुझको सपोर्ट दीजिए। तो आपको सपोर्ट मिला उसके, आपके कहने के बाद आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है अभी? जब लीडरशिप ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, देखते हैं इन कोर्स ऑफ दिस ऑल कैंपेनिंग हाउ दीस थिंग्स मूव। नहीं तो अभी जो कैंपेन का जो एक जो क्रम चल रहा है उसमें आपको सपोर्ट पार्टी से अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मैं इधर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सब चीजों को वो कर सकूं, एक तुलनात्मक रूप में देख सकूं, मिलना जुलना इलेक्शन। संतुष्ट है या नहीं जो पार्टी आपके लिए कर रही है और जिस तरीके का लॉजिस्टिकल समर्थन आपको पार्टी दे रही है उससे आप संतुष्ट है कि नहीं?
मैं तो जन्मजात संतुष्ट व्यक्ति हूँ, तो असंतोष तो मेरे स्वभाव में है ही नहीं। और आपने मेरा पढ़ा होगा, मैंने बड़ा पोलाइट ट्वीट है आप, मैं तो पत्रकार लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जरा सा आप मेरे ट्वीट को जरा सा ठीक से स्टडी करिए, इतना विशुद्ध शाकाहारी गांधीयन तरीके का शाकाहारी ट्वीट का कभी किसी पॉलिटिशियन ने किया ही नहीं होगा। नहीं नहीं आप आपने उस ट्वीट में यह भी लिखा था रावत साहब कि मैं जिस समुद्र में तैर रहा हूँ वहां पे बहुत सारे घड़ियाल है जो मेरा हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये कहा था जिस समुद्र में मुझको तैरने के लिए कहा गया है उसमें सत्ता ने बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ रखे, सत्ता ने बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ रखे, और सत्ता के मगरमच्छों को तो आप जानते हैं। देखो तो ये मगरमच्छ आपकी पार्टी में है या बीजेपी के मगरमच्छों की आप बात कर रहे हैं? पंजाब के अंदर चुनाव शुरू हुआ तो वहां के चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द रिश्तेदार नातेदार सबको कौन पकड़ने के लिए गया, तो सत्ता के मगरमच्छ तो पहले से ही भाजपा वालों ने उनका टीका चंदन लगा करके तैयार रखा हुआ रावत साहब लेकिन मुझे ये बताइए कि जो कौन सी जो सत्ता का समुद्र है उसके जो घड़ियाल है या मगरमच्छ है वो ज्यादा घातक है, बीजेपी के घड़ियाल ज्यादा घातक है या कांग्रेस के अंदर जो घड़ियाल बैठे हैं? कांग्रेस तो मत्स्य देवता की पूजा करती है, और भाजपा जो है, मैंने कहा ना कि भाजपा बाहर से शाकाहारी है, अंदर से विशुद्ध मांसाहारी पार्टी है। मैंने ऐसी बदले की भावना और इस तरीके की असहिष्णुता राजनीति में नहीं देखी है, लोकतंत्र में नहीं देखी है। इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन मैनी लीडर्स, बहुत नजदीक से देखा है, और लेकिन मैंने मैंने वो भी समय देखा है कि मैं आई वॉज ए यंग मैन ऑफ 28 ईयर्स और 27 ईयर्स ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और अटल जी के ऊपर मैंने बड़े प्रहार किए पार्लियामेंट में और बड़े प्रहार किए, तो एक चिट आई मेरे पास लिख करके बहुत खूब, तो मैंने देखा नाम कुछ नहीं लिखा था जी। तो मैं उस जब मैं बाहर गया लॉबी की तरफ को तो मैं उसी चिट को देख रहा था, तो अटल जी उधर से आ रहे थे, बोले कि मैंने दिया है, मैं बहुत खूब, अरे मैं कहा माफ करें आप बारे में, अरे बहुत खूब, मैंने कहा जरा सा आप इसमें लिख दीजिए तो अटल भी लिख देंगे, तो बोले नहीं वो नहीं लिखूंगा, एक आध बार और तुमको ऐसा ही भाषण देना पड़ेगा तब लिखूंगा। तो ये चीजें जो है आज मिसिंग है, ये मिसिंग है। जिस समय अटल जी के मरने की खबर आई, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो भाग करके अटल जी के अंतिम दर्शनों के लिए गया। बिल्कुल, में ये, हाँ, ये भावना कि आपको, हाँ रावत साहब आप जल्दी में भी होंगे और मुझे सिग्नल भी आ रहा था कि शायद आपके इंटरव्यू को खत्म करना है, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी और उसी सवाल से मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कि जो छोटे नेता हैं उनको हरीश रावत जी पनपने नहीं देते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो छोटे लीडर्स हैं वो हरीश रावत के नीचे पनप नहीं पाते, तो इसको इस पर क्या कहेंगे, इस तरीके के जो आरोप आपके ऊपर लोग लगाते हैं क्या कहेंगे? ये पार्टली सही है, मगर पार्टली मतलब स्मॉल 10% सही है, 90% गलत है, क्योंकि आज की जितनी कांग्रेस लीडरशिप है किसी जनरेशन की हो, ये सब मेरे साथ काम किए हुए लोग हैं, और बल्कि बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको मैंने आगे लाने का काम किया है, मगर एक सीमा के बाद हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जगती हैं, और मैं उन महत्वाकांक्षाओं को किसी के शायद पूरा नहीं कर पाया हूं, तो वो भी नाराज हो जाता है। कई कोई व्यक्ति समझता हो कि ये तो अभी भी जो है जवानों की तरह से उठ बैठ जा रहा है, हमारा नंबर कब आएगा, तो वो जो नंबर खोजने वाले लोग हैं कुछ बेचैनी उनमें हो सकती है, तो ये उनका जो 10% लोग हैं उनकी शिकायत है, और मगर दिल से मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ, मेरी दिली शुभकामना उनको उनके साथ भी है, क्योंकि हमने उनके साथ ही मनाने वाला बिगाड़ नहीं सकता। जी जी, चलिए आपसे बहुत अच्छा लगा रावत साहब बात करके, विश यू ऑल द बेस्ट,
और भगवान करे आप जीते और आपसे फिर बात करने का फिर मुझे मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर।